दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही सिंपल नेकलाइन लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, इसमें एक लेस लिया हुआ है और इसमें लगाने के लिए एक चौड़े वाला एक पट्टी लिया हुआ है मैंने। इसको इसके किनारे से रख के सिलाई कर लेता हूँ। हमें इससे इसका पाइपिंग बनाना है। ठीक है, इसका जो कॉर्नर जो आता है, हर कॉर्नर में ये जो पट्टी है, पट्टी थोड़ा काट के देना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो कॉर्नर में वो बराबर मोड़ने के लिए हमें ये काटना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों कॉर्नर पे इसी तरह काट देने का हमें। इसके लिए मैंने ये जो पट्टी लिया हुआ है, ये स्ट्रेट पीस में पट्टी काटा हुआ है, क्योंकि ये जो कपड़े में एक डिज़ाइन है, लाइन वाला डिज़ाइन है इसमें, इसलिए हमें वो लाइन मिलने के लिए रखने उसी तरह रखने के लिए मैंने स्ट्रेट पट्टी लिया हुआ है। ठीक है, इसको देखिए, इसी तरह हम पूरा सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद में इसको हम दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये देखिए, इसी तरह मोड़ के हम सिर्फ आयरन कर लेते हैं इसको। इसके पहले ये जो कॉर्नर जो आता है, ये देखिए, ये कॉर्नर में हमें थोड़ा काटना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ये स्ट्रेट पीस है, इसलिए इसको इसी तरह काट के दूसरी तरफ हमें मोड़ना चाहिए, तो ये अच्छी तरह ये मुड़ जाएगा। ठीक है, अभी इसको अच्छी तरह मोड़ के एक बार आयरन करके निकाल लेता हूँ हम, इसमें दूसरा कोई काम नहीं है। ठीक है, देखिए ये मोड़ के हमने आयरन करके लिया हुआ ये। अभी हम इसके नीचे भी दूसरा एक पट्टी लगा देते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसको इसी तरह पेपर कैनवास में रख के मैं मार्किंग कर लेता हूँ। मार्किंग करके वो पेपर कैनवास बना लेता है। ये इसी तरह रखिएगा तो हमें ये फ़ायदा है, वही बराबर साइज़ का हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह ड्रॉ करने के बाद में हमें अभी इसको आधा इंच चौड़ाई में इसका बॉर्डर दे देता है। ठीक है, सब जगह आधा इंच चौड़ाई में हम बॉर्डर दे के इसको काट के निकाल लेता है। ठीक है, इसी तरह हम ये देख लीजिए, एकदम बराबर आ गया हुआ ये। इसको हम काट के निकाल लेता हूँ, फिर दूसरा कपड़े में आयरन करके चिपका लेता हूँ। देखिए, ये काट के तैयार हो गया। अभी हम इसको कपड़े में रख के आयरन करके निकाला हुआ है उसको। देखिए, इसी तरह लाइनिंग वाला कपड़ा है ये, इसके नीचे रखा हुआ है। फिर ये इसके किनारे से इसी तरह सिलाई कर लेने का, पूरा फुल राउंड हम सिलाई कर लेते हैं इसका। ये देखिए, हम इसी तरह इसको सिलाई कर लिया हुआ है। अभी इसका जो एक्सेस है वो हम काट के निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए, काट के निकालने के बाद में इसके किनारे से पूरा इसी तरह हम काट देता है, क्योंकि इसको हम अभी अंदर से बाहर करना पड़ेगा, अंदर बाहर करना पड़ेगा इसको, तभी इसका किनारा अच्छी तरह मोड़ने के लिए हम इसी तरह काट लेते हैं पूरा। अभी देखिए, इसी तरह इसको अंदर वाले साइड को बाहर कर देने का। ठीक है, ये देखिए, ये अभी इसको बराबर खोलने के बाद में इसको भी हम अच्छी तरह आयरन करके निकाल लेता है। उसके बाद में ये देखिए, ये आयरन करके लिया हुआ है, इसका दोनों को मिडिल में इसी तरह कट मार लेता है। कट मारने के बाद में ये नीचे वाला पीस के ऊपर इसको बराबर रख के हम पिन मार के इसको सिलाई करके इसमें लगा देता है। इसके
इसका जो पाइपिंग लगाया हमने उसके दोनों साइड में साइड को इसके ऊपर रख के सिलाई कर लेने का। ठीक है, अभी देखिए हम इसी तरह इसको सिलाई कर लेता है। पहले अंदर वाले साइड में सिलाई कर लेता है, इसका एकदम किनारे से सिलाई कर लेते हैं हम। ये अंदर वाली साइड सिलाई करने के बाद में इसका बाहर वाला साइड भी इसी तरह ही सिलाई कर लेता है। इसको मैंने अभी लंबाई ज़्यादा रखा हुआ है, इसको हम जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से काट लेता है। इसमें हम नेक के नीचे वाले साइड में हम 10.5 इंच का ही लंबाई रखता हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं रखता है। ठीक है, इसका सिलाई पूरा ख़त्म हो गया। अभी हम दूसरा एक नेक काट लेते हैं। नेक काटने के लिए देखिए पेपर कैनवास लिया हुआ है हमने, उसको डबल फोल्ड कर दिया। अभी इसका चौड़ाई सबसे पहले मार्किंग कर लेता है। ठीक है, इसका इसी तरह हमने मार्किंग किया हुआ है। अभी देखिए ये नेक के लिए हमें चौड़ाई 3.5 इंच का चौड़ाई ले रहा हूँ और इसका डीप है 1.25 इंच। इसको रख के अभी हम इसको सबसे पहले एक स्क्वायर शेप बना लेते हैं। स्क्वायर शेप बनाने के बाद में इसके लिए इसका नेक शेप बना देता है। अभी इसको हम एक सिंपल शेप देता है, ज़्यादा मैं आपको बताया था बहुत इसी तरीके का ही शेप बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जल्दी ये बना सके। इसी तरह जो भी एम्ब्रॉयडरी वाला लेस आता है, जो भी हम आपको काट के इसी तरह पाइपिंग वगैरह लगा के आपको बढ़िया नेक डिज़ाइन बना सकता है। अभी इसको हम 1/2 इंच चौड़ाई दे देते हैं। 1/2 इंच चौड़ाई रख के इसको ड्रॉ करके काट लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी हमें इसको काट के निकाल देना है। देखिए हमारा नेक तैयार हो गया हुआ है। ये भी इसको भी हम कपड़े में चिपका लेते हैं आयरन करके। ये देखिए कपड़े के पीछे हम चिपका दिया हुआ है और इसका किनारा भी हम मोड़ के ग्लू लगा के चिपकाया हुआ है। ये देखिए ये कुर्ते के फ्रंट वाला पीस है, उसके पिछली साइड है ये, उधर इसको हम सिलाई कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसी तरह मार्किंग कर लेता हूँ क्योंकि ये जो मार्किंग किया है उधर से हम ये वाला पट्टी लगा देते हैं बीच में, एकदम मिडिल में रख के इसी तरह नीचे सबसे नीचे हम ये पट्टी रख देते हैं, उसके ऊपर नेक रख के हम सिलाई कर लेते हैं।
दोनों साथ में सिलाई कर लेता है। ठीक है, इसी तरह बना लेता है। अभी जैसा हम नॉर्मल नेक सिलाई कर लेता है उसी तरह इसको भी हम सिलाई कर लेता है। देखिए बहुत इसी तरीका ही है ये सिलाई करना भी। ठीक है, अभी हमारा नेक अटैच हो गया। अभी इसको काट के हम दूसरी तरफ मोड़ देता है। ठीक है, अभी मोड़ने के पहले इसी तरह काट देना चाहिए सब जगह। ठीक है, अभी इसको अच्छी तरह मोड़ के हम एक बार आयरन कर लेते हैं, उसके बाद में इसको सिलाई करके अटैच कर लेते हैं। अभी तो बाकी उतना ही काम रह गया हुआ है इसमें। ये देखिए बीच वाला पट्टी हम इसी तरह लगाया हुआ है, सीधा ऊपर से आया हुआ दिखना चाहिए करके हमने इसी तरह लगा हुआ है। अभी देखिए सबसे पहले ये नेक को इसी तरह रख के हम सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद में वो पट्टी को भी सिलाई करके अटैच कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये अभी सिलाई करके हो गया। अभी सिर्फ हमें ये बीच वाला पट्टी सिलाई कर देना है। इसको देखिए इसी तरह हम सिलाई करके अटैच कर लेता है। बस इतना ही सिंपल काम है, मैं आपको बताया था बहुत सिंपल नेक बनाया हुआ है। इसी तरह आप लोग भी नेक डिज़ाइंस बना दीजिए। इसी तरह जो एम्ब्रॉयडरी वाला पट्टी लेस पट्टी लेके आपको आराम से पाइपिंग वगैरह लगा के बढ़िया डिज़ाइन में नेक बना सकता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। ये देखिए ये हमारा नेक पूरा हो गया हुआ है, शोल्डर भी उसमें जोड़ दिया हुआ है। अभी एक खूबसूरत वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।